Summary documents. आकाश, तुम अभी तक काम कर रहे हो? क्या हुआ? कोई अर्जेंट रिपोर्ट पेंडिंग है क्या? नहीं लक्ष्मी मैम, रिपोर्ट तो कब का फिनिश हो गया। मैं बस निकल ही रहा था कि मेरे फ्रेंड का फोन आया। उसने मुझे बताया कि अभी 3-4 अच्छे आईपीओ मार्केट में आए हैं। मुझे सभी में अप्लाई करना चाहिए। ये जल्दी पैसा बनाने का एक सॉलिड चांस है। इसीलिए घर जाने से पहले मैं इन सभी आईपीओज में एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। मेरी मानिए, आप भी सभी आईपीओज में अप्लाई कर दीजिए। अरे आकाश, जरा रुको तो, मुझे भी बताओ इन आईपीओ इश्यूज के बारे में। ये कंपनीज किस सेक्टर की हैं? इनके प्रमोटर्स कौन हैं? और इनके फाइनेंशियल्स तो हेल्दी है ना? क्या तुमने इनके प्रोस्पेक्टस चेक किए हैं? हैं? एक आईपीओ लगाने के लिए इतना सब कुछ कौन चेक करता है मैम? आकाश, बिना कुछ जानकारी के आईपीओ में अप्लाई मत करो। किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई पर रिस्क मत लो। पहले इन आईपीओ इश्यूज के बारे में पूरी डिटेल्स चेक करो। पर मैम, इतनी रिसर्च करने का टाइम कहाँ है? कहाँ मिलेंगी ये सब डिटेल्स? बस इतनी सी बात आकाश, ये सारी डिटेल्स तुम्हें कंपनी के समरी डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी, जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज की वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल रहती है। समरी डॉक्यूमेंट ना सिर्फ आईपीओ बल्कि फर्दर इश्यूज, बायबैक एटसेट्रा के बारे में भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है। समरी डॉक्यूमेंट में कंपनी अपने इशू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है और उसका शेयर होल्डिंग और फाइनेंशियल्स पर क्या असर होगा, ये सब इन्वेस्टर्स को बताती है। समझ गया लक्ष्मी मैम, तो मैं ये डिटेल्स पहले चेक कर लेता हूँ और उसके बाद ही आईपीओ में अप्लाई करूँगा। ये हुई ना बात, जल्दबाजी नहीं, जागरूक इन्वेस्टर बनो क्या आकाश? ये तो इन्वेस्टमेंट का सिंपल फंडा है।